हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का प्रैक्टिस सेट 16.2। जी आपने सही सुना, 16.1 तक की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी बना रहे। तो चलिए, जब हम 16.2 की बात करते हैं तो 16.2 इसमें हम दो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें फिगर की जो बात होती है वो होता है आपका सिलेंडर। इसकी बात होती है सिलेंड्रिकल फिगर की बात होती है। इसका दो फॉर्मूला, पहला होता है CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, फिर होता है TSA दैट इज योर टोटल सरफेस एरिया। जब मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πRH, और जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं फॉर्मूला होता है 2πR ब्रैकेट R प्लस H। ये दो फॉर्मूला आपके आपके माइंड में याद रहना चाहिए, प्लस आपके नोटबुक में भी होना चाहिए, क्योंकि यही फॉर्मूला को हम बार 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 इस प्रैक्टिस सेट में यूज़ करने वाले। तो याद, पहला काम या तो आप इसको याद कर लीजिए, दूसरा काम या तो आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बार बार बोल के लिखिए, तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 16.2 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 16.2 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्या बोला, देखो, इन द एग्जांपल गिवन बिलो द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर एट हाइट इज गिवन, देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कुछ नहीं करना है, गिवन में आपको वैल्यूज दिया है, सीधा आपको क्या करना है, टू फाइंड लिखना है। टू फाइंड में क्या फाइंड करने को बोला, हर एक क्वेश्चन में आपको यही बोला है, CSA फाइंड करो, और क्या फाइंड करो भाई, तो TSA फाइंड करो। फिर आपको क्या लिखना है, इसका फॉर्मूला हो, एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, इसके बाद नहीं बताऊंगा, इसके बाद डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होगा भाई, तो 2πRH। फिर आपको क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होगा 2πR ब्रैकेट R प्लस H। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन के साथ। जब मैं सोल्यूशन लिखूंगा तो सोल्यूशन का जो मेरा फर्स्ट स्टेप होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन के साथ। जब हम सोल्यूशन के साथ देखेंगे तो जो फर्स्ट स्टेप होगा, देखो रेडियस और हाइट आपको दिया हुआ है, तो दोनों में से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्या लिखेंगे भाई, तो बाय यूजिंग फॉर्मूला। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, तो CSA ऑफ सिलेंडर। CSA का मतलब क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या फॉर्मूला, 2πRH। अब ये कितना होगा, 2 × 22/7 इंटू रेडियस आपको कितना दिया जा रहा है, देखो 7, और हाइट कितना दिया है 10। तो रेडियस की जगह आप क्या लिखेंगे 7, हाइट की जगह क्या लिखेंगे 10। फर्दर इसका सॉल्विंग करेंगे तो ये वैल्यू ऐसा हो जाएगा, 2 × 22, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आएगा इंटू 10। तो फाइनल आंसर विल बी 440 square centimeter, दैट इज योर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसके बाद एक नेक्स्ट आपको फाइंड करने को बोला, दैट इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर आप क्या किससे स्टार्ट करेंगे भाई, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखेंगे। क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, 2πR ब्रैकेट R प्लस H। अब ये हो जाएगा 2 × π का वैल्यू अगर मैं चेक करूँ तो 22/7 इंटू रेडियस मेरा कितना है भाई, तो 7 है। फिर यहाँ पर क्या होगा, 7 प्लस हाइट कितना लिया है, 14 लिया है, 14 नहीं 10 लिया, हाइट हमने कितना लिया, 10 लिया। तो यहाँ पर हाइट की जगह मैं क्या लिख दूंगा भाई, तो 10। चलो अब जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू देखो कैसा हो जाएगा, 2 × ये हो जाएगा 22 × ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1। फिर ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, तो 17। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 × 17। अब मुझे क्या करना है, 17 को मल्टीप्लाई करना है 44 से, तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, तो 4 × 7 = 28, 2 carat 4 × 1 = 4 + 2 = 6, फिर क्रॉस, फिर ये 8, फिर ये 6, फिर ये कितना हो जाएगा 8 + 6 = 14 हो जाएगा, 4 × 1 ये हो जाएगा 7। तो फाइनल आंसर विल बी योर 748 square centimeter। तो ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। चुपचाप आपको सिर्फ क्या करना भाई, तो फॉर्मूला लगाना और कैलकुलेशन करके वैल्यूज को लेकर आना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम आपको रेडियस देखो कितना दिया, रेडियस इज इक्वल टू 1.4 centimeter, और हाइट आपको कितना दिया, 2.1 centimeter। आपको क्या डायरेक्ट में सोल्यूशन बोला, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में सब कुछ बताया, बाकी यहाँ पर हम डायरेक्टली सोल्यूशन करने वाले हैं। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई, तो 2πRH। फिर क्या लिखेंगे, 2 × π की जगह क्या रखना है, 22/7 इंटू आर की जगह क्या रखोगे, तो 1.4 इंटू एच की जगह 2.1। इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 22/7 इंटू, इसको बताया कैसे लिखना है, 14/10, इसको कैसे लिखना है, 21/10। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 7 × 1 और ये हो जाएगा 7 × 3 ए 14 से भी आप कट कर सकते हो, 2 × 22 × 14 × 3 वैल्यू में क्या आएगा भाई, तो 100 आएगा। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे, सारे वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका जो आंसर आने वाला है कर्व सरफेस एरिया का, वो आपका कितना होगा, 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1848 आएगा अपॉन में 100। तो
फाइनल आंसर विल बी 18.48 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको क्या फाइंड करना है, तो टी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला है, 2πr(r+h)। अब जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो यहाँ पर 2 की जगह आपको क्या रखना है, 2 ही रहेगा, पाई की जगह 22/7 रहेगा, रेडियस की जगह आपको क्या लिखना है 1.4 रखना है, ये हो जाएगा 1.4 प्लस ये हो जाएगा 2.1। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो 2 × 22/7 * ये हो जाएगा 14/10, फिर ब्रैकेट में ऐड अगर आप करोगे तो देखो ऐड बताया था 1.4 और 2.1 ऐसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 3, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो (3, 5) मतलब 35/10 हो जाएगा। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो ये जाएगा 5 1 और ये हो जाएगा 7 1 ये जाएगा 7 5। फर्दर आगे का सॉल्विंग 2 × 22 * ये हो जाएगा 14 * ये हो जाएगा 5 हो जाएगा 100। 5 2 सा कितना होगा 10 होगा, 5 2 सा देखो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 10 * ये हो जाएगा 22 * 14/100। 100 कैंसिल। अब आपको क्या करना भाई, तो 22 और 14 को मल्टीप्लाई करना है। जब आप 22 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना रहेगा भाई, तो देखो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसको, 14 और 22 को, तो ये ऐसे हो जाएगा 22 * 14, 4 2 8, 4 2 8, फिर क्रॉस 2 1 2, फिर 2 2 1 2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 8 + 2 = 10, 0 1, फिर ये हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 308/10 विच इज इन नथिंग बट इक्वल टू 30.8 square centimeter, क्योंकि आपने क्या फाइंड किया भाई, तो टोटल सरफेस एरिया। तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया, तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेम सॉल्व होगा, इसमें भी आपको सेम पैटर्न यूज करना भाई, रेडियस दिया और हाइट दिया, तो हम स्टार्टिंग किससे करने वाले, तो कर्व सरफेस एरिया से। तो मैं क्या लिखता हूँ, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πrh, तो ये कितना हो जाएगा 2 * π का वैल्यू कितना 22/7 * r का वैल्यू कितना है 2.5 * h कितना है 7, तो ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इसको आपको ऐसे लिखना है 2 * 22 * ये हो जाएगा 25/10 हो जाएगा, फिर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 50 * 22/10 हो जाएगा, 100 कैंसिल, फिर आपके पास वैल्यू कितना बचेगा भाई, तो 22 * 5, 22 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा जो आंसर कितना आएगा वो होगा 110 क्या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हो गया ये सी एस ए ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना भाई, तो टी एस ए, अब टी एस ए के लिए आपको क्या सेम फार्मूला लगाना है क्या, नहीं फार्मूला बदल लेगा, टी एस ए ऑफ वैल्यू सेम रहेंगे, रेडियस और हाइट आपका सेम रहने वाला है, ये कितना रहेगा 2πr(r+h)। अब ये हो जाएगा 2 * π का वैल्यू 22/7 * रेडियस का वैल्यू आपको कितना दिया है, देखो जरा रेडियस आपको कितना दिया 2.5 और हाइट कितना दिया है 7, तो रेडियस की जगह क्या लिखोगे भाई, तो 2.5, फिर ब्रैकेट में क्या होगा 2.5 + 7। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो ये जाएगा 2 * ये होगा 22/7 * ये कितना होगा 25/10, फिर मल्टीप्लाई बाय इसको सॉल्व करेंगे तो 7 + 2 ये हो जाएगा 9.5, और 9.5 को जब मैं फर्दर लिखूंगा तो वो कैसा हो जाएगा हमारा 2 * 22 * 25 * ये लिखेंगे 95/10, और ये तो 10 पहले से था, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 7 है। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या रहेगा, इसमें आपको क्या करना, देखो ऊपर के सारे नंबर को मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड करो, और जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका कितना आने वाला, तो 149.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू। ज़्यादा कुछ नहीं, आपने एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो ये भी सेम जा रहा है, सेम पैटर्न से ये भी सॉल्व होगा, सेम पैटर्न से अगर सॉल्व होगा तो सबसे पहले आपको क्या लिखना भाई, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो होता है 2πrh। अब देखो यहाँ पर वैल्यू इसको पुटअप करोगे तो 2 * π का वैल्यू 22/7 * r का वैल्यू दिया है 70, हाइट दिया है 1.4, इसको सॉल्विंग अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 70 ये दिया है ना, ये हो जाएगा 70 * 14/10। अब अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये जीरो कैंसिल, ये 2 1 जा, ये 2 7 जा, सॉरी 7 1 जा और 7 1 जा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 2 * 22 * 14। फर्दर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा 44 * 14, और जब आप 44 को * 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू 616 square centimeter।
इसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, तो दैट इज़ अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या फार्मूला, 2πr(r+h)। अब जब सॉल्व करेंगे तो 2 × π का वैल्यू 22/7, इंटू रेडियस कितना दिया है 70, फिर ब्रैकेट 70 प्लस हाइट का वैल्यू देखो कितना दिया 1.4, तो ये कितना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1.4। सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू ऐसा हो जाएगा 2 × 22 × ये हो जाएगा 10, क्योंकि ये 7 1s और ये 7 10s और मल्टीप्लाई भाई ये कितना होगा 71.4। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 2 × 22 × 10 ये होगा 714/10, तो 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 44 × 714। अब जब आप इसको एक साथ मल्टीप्लाई करोगे 44 × 714 को, तो आपको जो आंसर आएगा वो कितना रहेगा भाई, तो 31416 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका TSA ऑफ सिलेंडर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करना, खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने और आंसर लेकर आना है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मैं तो बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आप क्या रख लीजिए भाई, होमवर्क रख लीजिए। ये क्वेश्चन को जरा आप खुद से ट्राई कीजिए कि क्या वैल्यू आएगा। अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊँ तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो वैल्यू आएगा वो आपका कितना रहने वाला है, 369.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो ये वैल्यू आपका कितना रहने वाला है, तो 480.48। चार क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चन जरा आपको खुद से ट्राई देना है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ड्रम इफ इट्स डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 45 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया पूछा है, बराबर है। ये क्लोज्ड वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोज्ड वर्ड अगर बोला मतलब आपको फॉर्मूला लगाना है 2πr(r+h)। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भाई, तो गिवन, गिवन में आपको क्या दिया, तो डायमीटर दिया है। डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। डायमीटर से रेडियस अगर निकालना है तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ, तो ये कितना होगा 50/2 विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और हाइट आपका कितना रहेगा, हाइट h इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, तो टू फाइंड में आपको क्या लिखना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये आपको क्या करना है, तो टू फाइंड में लिखना है। फिर टू फाइंड के बाद क्या आएगा, आपका फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला में आपको पता ही है क्या लिखना है, TSA ऑफ सिलेंडर की बात करो तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 2πr(r+h)। ये h है। चलिए इसके बाद जब हम सोल्यूशन पे आएंगे तो कुछ नहीं करना, चुपचाप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। क्या फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम, तो आप क्या लिखेंगे, देखो TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम विल बी इक्वल टू 2πr(r+h)। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 × π का वैल्यू आपको कितना है, 22/7 इनटू रेडियस का वैल्यू अभी आपने कितना निकाला भाई, तो 25, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 25। और ये कितना हो जाएगा, एक काम करो यहाँ पर आप ना जो पाई का वैल्यू है ना वो कितना लो, 3.14 लो। पाई का वैल्यू में क्या बोला, कितना लो 3.14, तो ये हो जाएगा 25 × ये हो जाएगा 25+45। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, देखो इसको ऐसे लिखने का 2 × 314/100 हो जाएगा × 25 × इसको ऐड करो 45 + 4 + 2 = 61, ये हो जाएगा आपका 70। 100 कैंसिल हो गया। फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये ऐसा होगा 314, और जब मैं 2 और 25 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 50 × क्या हो जाएगा 7/10, तो 100 वापस कैंसिल हो जाएगा। फर्दर फाइनल आंसर में आपके पास क्या बचेगा, 314 × 75 = 35। मतलब आपको क्या करना है, 314 को 35 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा 10990 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ड्रम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया कि कैसे सॉल्व आउट करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए कि कैसे हमने इस वीडियो में सिर्फ टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का क्वेश्चन किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।